बोलता है कि हमारे धर्म पे कितनी किताबें लिखी गई, पढ़ लो तुमको पूरा धर्म समझ में आ जाए। तो भीड़ आप देख रहे हैं किस कदर है, मतलब हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था जितना है। महादेव सभी को, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और वीडियो में। और लगभग नहीं, मतलब आज साल का लास्ट दिन है और हम हैं फिलहाल बीटी पे ऐसे घूमने चले आए। हमारे साथ एक व्यक्ति और है, इनको पहचानते हैं आप सब? तो भाई हम लोग आए काशी विश्वनाथ न्यू वाला मंदिर में, चाय पी रहे हैं भाई के साथ में। सभी को हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि ये वीडियो कल आएगी तो हम लोग हैप्पी न्यू ईयर आज बोल देते हैं। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, महादेव सबकी मनोकामना, खुश रहें, सबसे पहले खुश रहें, तभी हैप्पी रहेंगे, तभी हेल्दी रहेंगे। ये साल आप लोगों का अच्छा जाए, बहुत अच्छा जाए। और हमारा प्लानिंग ये है कि आज हम लोग घूमेंगे और सुबह चलेंगे गंगा जी नहाएंगे, वहाँ से जाएंगे काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करेंगे और पूरा दिन ब्लॉगिंग करेंगे। तो चलिए और मिलते हैं अब आगे। गुड मॉर्निंग गाइस, विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर सभी को। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और हम लोग जाने वाले थे विश्वनाथ जी भोर में 3 बजे, तो कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू है 10-11 बजे के बाद 6 बजे तक। अरे शाम रात को 10 से 6 बजे तक, तो हमको लगा शायद मंदिर ना खुला हो, तो थोड़ा डाउट की वजह से भी नहीं गए और नींद थोड़ा लेट भी खुली। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और अभी ब्रश करते हैं, उसके बाद चलेंगे गंगा जी नहाएंगे धोएंगे फिर चलेंगे मंदिर। तो चलिए अब गंगा जी मिलते हैं। सो गाइज, हम लोग निकल चुके हैं दर्शन करने के लिए, मैं और सूर्यभान, ब्यूटी ऑफ बनारस। पता है दुनिया का सबसे डिफ़िकल्ट काम क्या है? दोस्तों को जगाना और उन्हें मंदिर लेके जाना। अभी ये बोल रहा था कि हम नहीं जाएंगे, हम क्या काहे बोलता है ठंडी लग रही है, फिर पता नहीं क्या सोचा, बोला मम्मी डांटेंगी, तो उठ के फटाफट नहा के, ये देखो गंगा जी भी नहीं नहा रहा है, पहली चीज़ हम जाएंगे ठंडी में नहाएंगे, हम गीजर से नहा, अरे गीजर के पानी से गर्म गर्म नहा लिए हैं, मतलब हम लोग आदमी नहीं है। एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन, जो भी आप देख रहे हैं सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, फलो फूलो, आगे बढ़ते हैं। चलिए मिलते हैं गंगा घाट पे। अरे ठंडी लग रही है भैया, ऐसे काहे चिंगोर रहे हैं। पहुंच चुके हैं हम लोग गोदौलिया चौराहा। आज सुबह सुबह भी बहुत चौचक वाला जाम है, एकदम दिखा रहे हैं आपको, ठंडी से हम बोल नहीं पा रहे हैं, देख सकते हैं। खड़ा कर दे भाई, भीड़ आप सब देख सकते हैं, हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही भीड़ थी है, जितना हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। और लाइन तो देख ही सकते हैं, लाइन यही है। चलिए पर कोई बात नहीं, हम लोग अपना जगह बना लेंगे। इतना ज़्यादा भीड़, भगवान भोलेनाथ, एक्सपेक्ट नहीं किए थे, पर चलिए कोई बात नहीं, 1 घंटे 1.5 घंटे यही ना होगा, और पहले नहाया जाए उसके बाद। भीड़ ही भीड़, तो अभी सूर्यभान गया है बाइक लगाने पार्किंग में और हम हैं गलियों में, बनारस की गलियां ये तंग सी।
देख हमको घाट पे जाना है तो गली गली निकलेंगे। बस हम लोग दशाश्वमेध घाट पहुंचने ही वाले हैं तो पहुंचते हैं फटाक से पहले। तो फाइनली पहुंच चुके हैं विश्वनाथ गली तक। भीड़ अरे गुरु एक गोरी हो जाओ तब पवन तो भीड़ आप देख रहे हैं किस कदर है, मतलब हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था जितना है। तो सिरवान बाइक पार्क करके आ रहा है, अभी वो आएगा मैनेजर साहब। है ना मैनेजर का पोस्ट पे ऊपर रहता है। जी आप सबका चहेता, आप लोग का प्रदीप भाई गंगा जी में स्नान करते हुए मछली की तरह अपनी तैराकी का प्रदर्शन करते हुए जल पर ही आ जा। कैसा लग रहा नहा के? गल गर्मी हो रे नाल। और आप ये देखिए भीड़, तो हम लोग तो भीड़ से छट के आए हुए हैं। उधर इतना ज़्यादा भीड़ है कि साला आदमी नहा भी ना पाए, तो इधर लोग साइड में आके नहा रहे हैं हर जगह लोग। आ ऊपर से न्यू ईयर के लिए इतना भीड़, बाप रे बाप दर्शन करने के लिए। रुपया मालिक के किया मत है। ये देखिए हमारे बनारसी लड़का नहा धोवा के फिट फाट तैयार हो गए। कैसा लगा नहा कर आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप लोग भी आइए। 10 सेल्सियस है टेम्परेचर अभी, 10 सेल्सियस पे पर गंगा जी में जा के आके वाओ। अब हमको बहुत गर्म फील हो रहा है, हॉट हॉट फील हो रहा है। तो चलिए अभी नहा लिए, अब इसके बाद हम लोग अब तो यहाँ से बस यही वीडियो खत्म करते हैं। नहीं मतलब अब इसके बाद जब दर्शन करके आएंगे तब मिलेंगे, क्योंकि अब मंदिर में फोन अलाउड नहीं है, तो अब सब बैग में डाल के जमा करने जा रहे हैं। बिल्कुल तो चलिए मिलते हैं आगे। आनंद में रहिए, घर परिवार पढ़ लिखा हुआ भाई। तो माथे पे त्रिपुंड हम लगवा के दोनों लोग मस्त आए हाय हाय। अब चलते हैं मंदिर, मंदिर जाके फिर वापस। अब कब आएंगे पता नहीं, क्योंकि भीड़ इतना ज़्यादा था क्या है, मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही भीड़ है। और ये आलसी मानुस फोन में लगे रहता है। तो चलिए मिलते हैं आगे। फाइनली हम लोग आ चुके हैं अभी लंका चौराहा, और हम लोग को भूख लगी है तो कुछ खाने के लिए बैठे हैं। कुछ क्या मसाला डोसा खाएंगे? अभी मैं हूँ, विवेक है, श्रीवान अभी आ रहा है। तो चलिए मसाला डोसा आने के बाद फिर मिलते हैं। ही इज कमिंग, आई एम कमिंग। तो हम लोग आ गए हैं बीबीसी रेस्टोरेंट में, और आप देख सकते हैं हमारे सामने है मेन्यू कार्ड। हम लोग देखेंगे इसमें क्या खाना है। व्हाट यू वांट सर? व्हाट यू वांट? आई वुड जो है वांट क्या खाएंगे भाई? कुछ भी मांग। आई वुड लाइक टू मसाला डोसा। यू सेम, आई लाइक मसाला। मसाला ओनली, मसाला नॉट अ डोसा। ओके समझ गए हम लोग क्या हम लोग अंग्रेजी की पूरी धज्जी उड़ा देते हैं। और भैया का वीडियो देखेंगे, ब्यूटी ऑफ बनारस इनका यूट्यूब चैनल है। चलो इनका बनारसी लड़का।
तो आप लोग जाके इनका वीडियो देखेंगे तो और आप लोग भी चाहे तो इनका वीडियो देख सकते हैं, वरना अंग्रेजी का तेरे ही कर देते हैं। यस यू कैन। ये कल पढ़ा रहे थे सुभाष भैया, तो बोलते सी इज टीचिंग, मैं बोला सी नहीं ये ही है। एक मिनट में आदमी को औरत बना देते हैं। नहीं उधरिया पढ़ा रहे तो सी थी, तो हम वो सी थी ना, लेकिन पढ़ा तो ही रहा था। तो छोड़िए सी और ही को, खत्म करते हैं डोसा आने दो। वीडियो पहले बना ले, इतनी सारी बुक्स मतलब क्या बोले। हिंदुज्म द हिंदुज्म से संबंधित सारी किताबें तुम्हें यहाँ मिलेंगी, मतलब अपने धर्म से जुड़ी। वाव तो देख सकते हैं ये सब हमारी धर्म से। देखिए कौन बोलता है कि हमारे धर्म पे कितनी किताबें लिखी गई, पढ़ लो तुमको पूरा धर्म समझ में आ जाए। बताओ अब मतलब ये इतना बड़ा लाइब्रेरी है कि अगर आपको कहीं भी किताब कोई भी किताब की जरूरत होगी आप सेंट्रल लाइब्रेरी में आइए, आपको यहाँ हर एक किताब मिलेगी। और जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं यहाँ पे टोटल हमारे बस सिर्फ हिंदू धर्म से रिलेटेड किताबें हैं, टोटल दिखा रहे हैं शिक्षण। ये देखिए ये यहाँ से रैंकिंग चालू होती है, यहाँ से इसके बाद देखिए पीछे जहाँ तक आपकी नज़र जाती है। ऊपर 30 जो मूवी थी ऋतिक रोशन की यही इसी लाइब्रेरी में शूट हुई थी। हाँ अच्छा, देख सकते हैं। वाओ